Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are discussing number system. This is a video lecture number 7, and I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching part 7. तो बच्चों कैसे हो आप लोग? और उम्मीद है कि आप सब लोग पिछली क्लास में जो भी पढ़ाई गई है वो अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और उसकी रिवीजन भी कर चुके होंगे. जो बुकलेट आपको दी गई है उस बुकलेट से आप क्वेश्चन भी कर चुके होंगे. और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में आगे. आज हम लोग पिछली क्लास में जो हुई सीखा था उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद कुछ नई चीजें सीखेंगे. तो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन आज का क्या है और उसको कैसे सीखना है ये देखते हैं. तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 5. पिछले दिन हमने 4 तक किया था, तो वीडियो जो पिछला है उसमें 4 तक हमने किया था. आज 5 से शुरुआत करते हैं और 5 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7. परफॉर्म अ डिवीजन, डिवीजन करके चेक करना है आपका आंसर. तो आइए देखते हैं. 1 में हमें 17 से डिवाइड करना है, तो पहले तो डेसिमल आएगा है ना. तो डेसिमल रखते ही है यहाँ पे 0 आ जाएगा, बट स्टिल इट इज नॉट डिविजिबल, तो 1 0 रख देंगे. तो अब क्या होगा? डिवाइड होगा, स्पेस कम है, तो 1 में हमें डिवाइड करना है 17 से. ठीक है, तो 17 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल रख दिया, 1 बहुत छोटा है तो ये 10 हो गया, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा. तो 1 0 रख देंगे इधर, तो 1 और 0 इधर हो जाएगा है ना. तो ये हो जाएगा 100. 17 5 जा 85, और बैलेंस कितना हो गया? 15 है ना. फिर 0 आ गया, तो 8 टाइम्स 136 है ना. फिर आ गया कितना? 14, और 0 आ गया, और फिर 8 टाइम्स हो जाएगा 136 है ना. तो फिर आ गया 4, और 4 पे फिर आ गया 0, और 2 टाइम्स 34 है ना. फिर आ गया 8 8. आने का मतलब ये नहीं है कि ये रिपीट होगा. ठीक है, तो यहाँ 6 फिर बच गया, 60 हो गया. अगेन 60 में फिर से हम डिवाइड करते हैं, वही प्रोसेस शुरू करते हैं. तो 17 3 जा 51, फिर हो गया 9, 9 पे 0, 17 5 जा 85, फिर 5 आ गया, 5 पे 0 आ गया है ना. तो 0 आ गया, 5 0, इसका मतलब हुआ कि 2 टाइम्स 34, फिर 16 आ गया, 0 आ गया, 17 8 जा 153, अब फिर आ गया कितना? 70. तो 70 बचेगा है ना, 7 बचेगा यहाँ से और 70 होगा. अब फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 टाइम्स 68, अभी भी 2 बच गया और 0 आ गया. हम क्या क्या रखे जा रहे हैं यहाँ पे देखिए, पहले 2 रखा, फिर यहाँ पे रखा 3 है ना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है ना, और यहाँ पे फिर 2, और फिर यहाँ पे कितना आ गया? 9, और फिर यहाँ पे आ गया 4. ऐसा तो 2 0. अब फिर 1 टाइम्स तो आप करोगे तो 17 बच जाएगा. अब 17 बच गया तो फिर 3 आ गया, तो फिर 0 आ गया, फिर 1 टाइम्स आ जाएगा तो 17 हो गया, फिर कितना बच जाएगा? 13, फिर 0 आ गया. तो बहुत लंबी डिवीजन हो रही है. अब 7 टाइम्स करेंगे तो 119, अब बच जाएगा 11, और फिर 11 में 17 से डिवाइड करना है तो ये 1 0 आएगा, फिर आ जाएगा 6, ये 102 हो गया. अब फिर बच गया 8 0, 4 टाइम्स 68, और बच गया 12, फिर 0, फिर 7, और ये आ गया 119, और 1 आ गया, फिर 0 आ गया. फिर अब ये 1 आने के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर सेम, तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगी. 1 यहाँ पे था और फिर अब वही 0 आएगा 10 के साथ. तो
ये अब रिपीटेशन फिर से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने क्या क्या रखा है, जरा ध्यान से देखिए। यहां तक हो गया 8, और फिर उसके बाद हमने रखा है यहाँ 4, तो यहाँ 4 आ गया। फिर 117, तो 117 ये आ गया, 117। और फिर यहाँ पे 647, 647। तो इतने डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, यानी कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट के बाद ये रिपीटेशन शुरू हो रही है और फिर से रिपीट होने लग जाएगा। यानी ये जो ब्लॉक होगा जिस पे हम बार देना चाहें या ये करना चाहें, तो उसपे इतने डिजिट पे बार आएगा, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, वेरी गुड। इतना लंबा डिवीजन है और आपको ऐसे डिवीजन करके चेक करना है, जो कह रहे थे कि चेक कीजिए कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक होंगे। कैन द मैक्सिमम, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो गए, कितने, 16 डिजिट हो गए। ब्लॉक इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, तो 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको 16 ब्लॉक तक रिपीटेशन के लिए हो सकता है। डिवाइजर से एक कम होता है, और यही बात चेक करके भी दिखानी थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन हैविंग टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाई प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ये कह रहे हैं कि क्या गेस कर सकते हैं कि क्यू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई क्यों करेगा, और अगर हर एक नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रखें जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन वन, मतलब को प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई दो नंबर जिसमें वन को छोड़ के दूसरा कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम और रिलेटिवली को प्राइम। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा दो नंबर जिसका एच सी एफ वन हो, वन के अलावा कुछ कॉमन ना हो, तो इसका मतलब है कि उसका एचसीएफ क्या होता है, वन होता है। तो ऐसी नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर और रिलेटिवली को प्राइम नंबर, मतलब एक दूसरे के रिलेटिवली को प्राइम। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा, और देखो आप पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जहाँ कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उनके टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे ही होंगे। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी वाई क्यू सेटिस्फाई, क्योंकि क्यू क्या है, पी बाई क्यू में क्यू एक डिवाइजर है, इन पी बाई क्यू क्यू इज ए इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज एन इंटीजर, इंटीजर होता है। सो क्यू इज डिवाइजर, डिवाइजर, देयरफॉर रिमाइंडर इन एनी डिवाइजर, रिमाइंडर मस्ट बी लेसर देन, रिमाइंडर मस्ट बी लेसर देन क्यू, रिमाइंडर मस्ट बी लेसर देन क्यू, एंड देयरफॉर दैट इज रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 3 4 up to q-1, so it must be terminating after certain division, right? Why q satisfy? Because q has some characteristics, that is जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है, 0 1 2 3 4, इस तरह से 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 या 1। लेकिन ये तभी होगा जब डिनोमिनेटर जो होगा q इज ए फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ, सो ये तभी होगा जब डिवाइजर q 2 और 5 का फैक्टर होगा, क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि रैशनल नंबर ऐसे भी होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते। जैसे आपको 10/3 हमने बताया था कि 10/3 क्या हो रहा है, 10/3 आप डिवाइड कर रहे हो तो 3.3333, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, ये इसलिए कि ये जो है वो 3 है, यहाँ पे 7 हो तब भी ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 या 9 हो इवन तब भी होगा, ठीक है ना। तो
टू और फाइव के मल्टीपल अगर होंगे या दोनों के मल्टीपल होंगे या उसके पावर होंगे तो ये पक्का क्या होगा, टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग. सो क्यू दिस एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन पी बाई क्यू विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इफ पी क्यू मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ टू और फाइव और बोथ एटलीस्ट, तभी ये जाके टर्मिनेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 बाई 5, 4 बाई 5 को आप 0.8 लिख सकते हैं, 5 बाई 4 है तो यहाँ भी 2 का फैक्टर हो गया तो ये 1.25 हो गया, है ना. आप ले लीजिए 17 बाई 2 तो ये हो गया 8.5, 2 है इसलिए. अगर आपने 21 बाई 4 ले लिया तब भी ये होगा, क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 5.25. आप 21 बाई 16 ले लें तब भी डिवाइड खत्म होगा क्योंकि ये 2 के फैक्टर्स है, ये होगा 16 वन जा 16, बच गया फिर 5, 50, तो 16 3 जा 48, 2, और फिर 16 1 जा 16, फिर 4, 16 2 जा 32, फिर बच जाएगा 8 और 16 5 जा 8, तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया 1.3125. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि या तो 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो तो ये टर्मिनेट होगा ही होगा, या दोनों का फैक्टर हो तब भी टर्मिनेट होगा. जैसे मान लेते हैं कि आपके पास नंबर है 68 या 77 अपॉन 10, ये नंबर है तो 10 में क्या है, 2 भी है और 5 भी है, तो ये टर्मिनेट होकर के क्या मिल जाता है, 17 77 बाई 10, दैट इज 7.7, ये डिवाइड करने पे. तो ये सारे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये तभी टर्मिनेट हो रहा है. ये पूछ रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी, तो यही प्रॉपर्टी है, बिकॉज क्यू हैज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इधर इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और बोथ, देन ओनली इट विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज देयर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है ना, तो कम से कम एक फैक्टर तो होने चाहिए, या तो 2 के या 5 के या दोनों के, ठीक है ना, तो यही रीजन इसमें लिखना था. ठीक है, अगला सवाल है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. 3 ऐसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो टर्मिनेट भी ना हो और रिकरिंग भी ना हो, जो टर्मिनेट नहीं होते और रिकरिंग भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग सेम थिंग. तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, दीज आर इरेशनल नंबर्स, ये है इरेशनल नंबर्स बेसिकली हमें लिखने हैं. सो वी हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल ऐसे कौन से हो सकते हैं, अब √2 का डेसिमल एक्सपेंशन आप चाहो तो लिख सकते हो, √3 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, या और भी नंबर्स आप √5 के लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन. ये सब हमने पहले आपको एग्जांपल में लिखवा रखा है तो उसको दोबारा नहीं लिखवाते, कुछ नया सीखते हैं. नया सीखने का क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया 0.150, फिर 1500, फिर 1500, फिर 1540. अब ये कोई पैटर्न नहीं है जिसमें ये रिपीट हो, कह नहीं सकते. ऐसे ही ये हो जाए कि 0.01, फिर 001, फिर 001, फिर 00001, ऐसा. तो ये भी एक है जो कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है ना. तो इस तरीके का ये कह सकते हैं कि रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न तो है बट रिपीट नहीं हो रहा. यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, सीरीज के हिसाब से कह दें कि एक पैटर्न बन रहा है बट रिपीट तो नहीं हो रहा. यहाँ हमें चाहिए जो रिकरिंग ना हो, दोबारा रीअकरिंग ना हो और टर्मिनेट भी ना हो. तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 0 पॉइंट लिख दिया 2 0, 2 3 0, 2 4 0, 2 5 0 0,
ऐसे भी नंबर हो सकते हैं, और ये नंबर कोई पैटर्न है, ये नंबर तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये सारे नंबर किसके किसके बीच में लाई कर रहे हैं, और आर लाइंग बिटवीन 0 to 1, इनके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में, लेकिन इनका कोई ना कोई पोजीशन जरूर होगा नंबर लाइन सिस्टम पे। अगर नंबर लाइन सिस्टम की बात करूं तो 0 और 1 के बीच में ये कहीं ना कहीं जरूर होंगे, लेकिन क्योंकि नंबर जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये लेकिन क्या है कि इनके कहीं ना कहीं पोजीशन इस पे इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, ऐसे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो उसमें से आपको कोई 3 नंबर लिखने हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो 3 नंबर लिखेंगे वही आपका दोस्त भी लिखेगा, वही आपका पड़ोसी भी लिखेगा, हो सकता है कि सबके अलग अलग, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हैं और इनफाइनाइट नंबर में से आपको 3 ही लिखने हैं, बताओ तो तीनों एक जैसे होंगे क्या? नहीं होंगे ना, अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसको अगर बुक में देखोगे आंसर, या कोई और अपने दोस्त का देखोगे या किसी और का देखोगे, तो जरूरी नहीं है कि सेम हो, है ना, ये अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी 3 नंबर लिखा जाए जो खत्म ना हो, जो रिपीट ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। और ऐसे ही कितने इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर की तरह इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, उसी तरह से 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 और 1 के बीच में लिखना है, आप 1 से बड़ा और 2 के बीच में भी लिख सकते हो, आप 2 से बड़ा और 3 के बीच में भी लिख सकते हो, आप 2 और 4 के बीच में भी लिख सकते हो, आप सारे नंबर 2 और 5 के बीच में हो, जरूरी नहीं है, एक नंबर आप 0 से 1 के बीच में, दूसरा 20 से 21 के बीच में, तीसरा 30 से 31 के बीच में, या 100 से 101 के बीच में कुछ लिख सकते हो, या 100 से 150 के बीच में कुछ लिख सकते हो, कोई भी नंबर आप 3 लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, और सबके नंबर के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर ही लिखना है। अब यहाँ पे रेंज दी हुई है किसके किसके बीच में लिखना है, 5/7 से 9/11 के बीच में लिखना है। यहाँ भी 2 नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे, आपको कितने लिखना है, 3। कैसे लिखोगे और कैसे पता चलेगा इनके बीच में ही है, तो पहले डिनोमिनेटर बराबर करें तो हमें पता चलेगा कि ये किसके किसके बीच में हमें लिखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को देखेंगे कि क्या ये 5/7 कितना है, तो 5/7 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 को 7 से करोगे तो ये पहले तो 0 आएगा, और 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 1 पे 0 10, 7 1 जा 7 3 बचेगा, 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14, है ना, 28, एंड फिर 6 बचेगा, 7 8 जा 56, ऐसे ये नंबर्स आएंगे, है ना। तो इस तरीके का ये नंबर होगा। 9/11 क्या है वो भी देख लेते हैं, 9/11 करोगे तो क्या मिलेगा, 0 पहले आएगा, 90, 11 8 जा 88, 2 बच गया 21 टाइम्स, है ना, फिर 9 आ गया, तो 9 के बाद फिर 8 आ जाएगा, है ना, 90, 11 1 जा 11, और फिर 11 8 बच गया, 9 9 बच गया, तो 90 आ गया, तो 11 8 जा, फिर ये आ गया, इसी तरह से 8 1 8 1 ऐसे आता रहेगा, ये पूरा का पूरा 8 1 8 1 ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो इसमें हमें अब बीच में रैशनल नंबर लिखने, तो इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, अब 0.71 से 0.81 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आप चाहो 7 2 लिखोगे, यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दोगे, 3 लिख दोगे, 4 लिख दोगे, 5 6 7 8 9 10, मतलब 0, तो सब नंबर जो होंगे वो इनके बीच में ही होंगे। तो 3 रैशनल नंबर्स हम लिख देते हैं, 3 इरेशनल नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 कैन बी, अब देखो यहाँ क्या लिखे, 0.72 लिख दिया, 2 तो इससे बड़ा हो जाएगा, 0, फिर 7 2 00, फिर 7 2 000, फिर 7 2 40, ऐसे नंबर्स कुछ हो सकते हैं, है ना, ये भी एक नंबर है,
इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है, और रिपीटेशन नहीं है तो ये है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा हो सकता है। अब टू के बजाय यहाँ थ्री लिख दो, 7 3 0 7 3 00, आसान सा नंबर लिखने का तरीका बता रहा है, 3 0 7 3 4 0, तो ये भी हो सकता है। इसी तरह से आप चाहो तो 7 4 से लिख सकते हो, या 7 5 लिख सकते हो, या 7 6 लिख सकते हो, या 7 7 लिख सकते हो। जैसे 7 7 0 लिख दिया हमने मन किया तो 7 00, फिर 7 7 000, है ना, फिर 7 7 4 0, ऐसा कुछ लिख दिया तब भी ये सब इन्हीं के बीच में है, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है कि 7 2 के बाद 7 3 लिखा, 7 4 ही लिखे, 7 5 7 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई 7 9, ठीक है ना। तो ये आप कुछ भी लिखो, इस पैटर्न का है, और इस पैटर्न के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, होने के लिए बहुत सारे इनफाइनाइट है, अब किसके किसके पीछे भागे। लेकिन आपको 3 लिखने हैं तो 3 आसान से लिखने का तरीका ऐसा है, हमें देखना है कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो रिटर्न इसके बाद वाली जो पोजिशन है ये वो एक बड़ा नंबर ले लेंगे, 2 के बजाय 3, 3 के बजाय 4, 4 के बजाय 5, ये कोई 81 तक है ना। तो आप 80 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप 0.80 0.800 0.800 ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। ये बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता तो ये रैशनल होता, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो ये इरेशनल है। तो 23 एक प्राइम नंबर है और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसलिए 23 जो है क्या है, इज इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इज इरेशनल एज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग कहो या रिपीटिंग कहो, एक बात देखिए, रीअकरिंग इज रिकरिंग। अब दूसरा जो सवाल वो देखो, इसके कोई प्राइम फैक्टर्स है ना, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। दूसरा जो है नंबर है वो है 225, इसको आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये लिख सकते हो 5 × 5 25 × 3 × 3, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, और पेयर्ड प्राइम फैक्टर्स है इसलिए ये 3 और 5 बाहर आ गए, तो ये हो गया 15, विच कैन बी रिप्रेजेंट एज 15/1, तो इन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, एंड देयर फोर इट इज इन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर एंड हेंस इट इज ए रैशनल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं कि ये लिखा है, थर्ड क्वेश्चन 0.3796, इट इज ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड देयर फोर रैशनल, रैशनल का डेफिनेशन ही है ना। अच्छा, ये जो है फोर्थ, ये क्या है, ये देखो 7.478 478, तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना, रिकरिंग, रिकरिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग भी कह सकते हैं, तो ये भी क्या होता है, रैशनल, ये भी रैशनल हो गया, है ना। अब अगला जो सवाल है वो देखते हैं, वो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये है 1.10100 और 1000, है ना, इस तरीके का ये है, तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, और इस तरीके के नंबर को हम क्या कहेंगे, इस तरीके के नंबर को कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एंड नॉन रिकरिंग,
non-recurring, and therefore what is this? Irrational number. Irrational number की characteristics है ना? तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सब बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आपको मजा आया होगा, सीख के नई चीज सीखा होगा, है ना? सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना? तो इस तरीके से इसमें आपको मजा आ गया, बहुत सारी चीजें सीख ली, खूब अच्छी तरह सीख ली, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? है क्या? नहीं? अच्छा ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और आप इसको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लें, तब तक आपको हम अगली क्लास में ब्रेक के बाद नए सेशन में नई बातें बताते, ठीक है? चल ओके। हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी बताना, और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जैसे ही वीडियो इस पे अपलोड होंगे आपको मिलते रहे, ठीक है?